बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक हैं, आप कैसे हैं? आइए देखिए आज का, ये देखिए ट्यूसडे इवनिंग का व्यू है। ये बहुत तेज़ हमारे यहाँ आंधी आई थी, सारा सामान छोड़ा जा रहा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़। किसी के कपड़े उड़ गए, प्लास्टिक उड़ गया, बहुत एकदम काला काला बादल हो गया था और बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा बनाई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। ये देखिए लोग देख रहे होंगे, तब देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितनी तेज आंधी थी। मेरे हाथ में से मोबाइल तक निकला जा रहा था, इतना तेज हवा चल रही थी। फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी, तब थोड़ा हवा कम हो गई थी और बारिश होने लगी थी। बहुत तेज बारिश हुई थी इस दिन। अभी हमारे यहाँ का मौसम भी बहुत चेंज हो गया, सुबह और शाम में अब थोड़ी ठंडी होने लगी है, अच्छा मौसम हो गया है, सुकून एकदम। अभी ऐसी गर्मी बाकी नहीं है, बारिश भी कभी कभी हो जा रही है तो और अच्छा लग रहा है। ये देखिए पीछे कोई नहीं था, सन्नाटा था, तो हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लिपिंग बना लेते हैं। ये देखिए काफ़ी पूरी रात बारिश हुई है और काफ़ी बारिश हुई थी। इस टाइम ज़्यादातर सभी जगह बारिश ही चल रही है। कैसा लग रहा है हमारे यहाँ का वेदर? बहुत सुकून हो गया है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बारिश हुई तो सब भाग गए। ये आज की हमारी सुबह मॉर्निंग की क्लीनिंग है, हमारी सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी, मशीन भी लग चुकी थी हमारी। मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों के साथ ही शेयर कर लेते हैं। ये देखिए सब साफ हो चुका था, नाश्ता भी हमारा हो चुका था। सुबह में जल्दी उठ जाओ तो माशाल्लाह से काम सब जल्दी हो जाता है सारा। सुबह सुबह में अच्छा लगता है सुबह में उठने में, हम लोगों की आदत ही नहीं है लेट तक सोने की। ये देखिए 9:30 बजे का टाइम हो रहा था और हमारा माशाल्लाह से सारा काम हो गया था। रोटी नहीं बनी थी, रोटी को थोड़ा लेट हो गया था, 11 बज रहे थे उस टाइम, 11:30 बजे का टाइम था, क्योंकि फिर हम लोगों ने और थोड़ा सा अपने ऊपर की सफाई की, ऊपर रूम की सफाई वगैरह करने के बाद कपड़े फैलाए वो किया, तो उसमें इतना टाइम हो गया। फिर 11:30 बजे के लगभग बीच में हम लोगों ने रोटियां बनाई। फिर समझ में नहीं आ रहा था कि खाना क्या बनाएंगे, तब हम लोगों ने सोचा पहले रोटी तो बना ही लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि क्या बनाते हैं। रोज़ाना का यही होता है, आज क्या बनेगा क्या बनेगा, सभी जगह लगभग यही होता है कि क्या बनेगा। आप लोग भी सोचते हैं क्या रोज़ाना, या आप लोगों का मेन्यू बना हुआ है, बताना मुझे कमेंट करके। हमारे यहाँ तो बहुत टेंशन रहती है रोज़ाना सुबह में कि क्या बनेगा आज खाने में, और हम दो आइटम तो ज़रूरी बनाते हैं, और माशाल्लाह से अगर कभी हुआ ऐसा इत्तेफाक तो दो से ज़्यादा भी बन जाते हैं, और कभी कभी एक भी बन जाता है अगर दिल नहीं होता है, कुछ रात का रखा हुआ होता है, या हम लोग बासी भी खा लेते हैं। ऐसा हमारा कुछ नहीं है कि हम
रात का खाना नहीं खाते या परहेज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फिर हम लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, सब्जी वाले आ गए तो हमने लौकी ले ली, फिर हमने उसका रायता बनाना शुरू किया। थोड़ी लौकी का हमने रायता बनाया और थोड़ी हमने सब्जी बना ली थी उसकी, क्योंकि किसी को रायता पसंद है तो किसी को सब्जी पसंद है। और रायता तो हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और गर्मी में तो बहुत ही अच्छा लगता है दही का रायता बनाकर खाने में। ये देखिए उसको तड़के की तैयारी चल रही थी रायते की। हम तो तड़का लगा कर खाते हैं, वैसे बहुत से लोग नहीं भी लगाते हैं, लेकिन हम जीरे से और लहसुन से इसका तड़का लगाते हैं, और सरसों का तेल हो तो उसका टेस्ट ही बस और दुगना हो जाता है। ये देखिए हमारा जब लहसुन थोड़ा गोल्डन होने लगा तब हम इसमें अभी ज़ीरा डालेंगे। और अपना ये इसमें डाल देंगे। मैं चिली फ्लेक्स का भी रायता बनाती हूँ, और हरी ग्रीन चटनी लहसुन ज़ीरे की बनाकर उसको भी हम रायते में मिक्स करके बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। मैं कई तरीके से रायता बनाती हूँ और रायता खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इधर हमारी लौकी गल रही थी, प्रेशर कुकर लगा हुआ था। फिर हमने इसकी विसल निकालने के बाद थोड़ा लौकी को मैश किया। इसमें सिर्फ सिंपल सी मैं हल्दी नमक डालती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं जाता। और ये आपके ऊपर है कि आप नींबू का रस, हम लोग निचोड़ लेते हैं, या फिर अगर नींबू नहीं हुआ तो हम खटाई वगैरह डाल लेते हैं, आमचूर जिसे बोलते हैं, आमचूर पाउडर या साबुत वाली कुछ भी कर लेते हैं, तो खट्टा थोड़ा सा टेस्ट आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। लौकी की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, एकदम लाइट खाना भी रहता है और बहुत टेस्टी भी बनती है ये। फिर मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के लिए तेल में डाल दिया था। वो गर्मी में तो ऐसा लगता है थोड़ा हल्का लाइट खाना ही खाया जाए, वैसे इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ही वगैरह, सब्ज़ी दाल यही सब ज़्यादा लेते हैं। ये देखिए हमारा लौकी की सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी। इसका कलर इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि इसमें हम प्याज को जो गोल्डन करके डालते हैं तो थोड़ा ब्राउनिश जैसा हो जाता है। फिर खाना वाना बनाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद नमाज़ हमने पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया बैठकर। आइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए, बहुत सिंपल सा लंच खाना है। दोपहर में हम तीनों ही होते हैं बस, मम्मी मैं और मेरी सिस्टर, क्योंकि भाई तो हमारे चले जाते हैं साइड पे। और पापा को हम लोग पहले जल्दी खाना दे देते हैं क्योंकि वो दवा लेते हैं तो उनको पहले खाना चाहिए होता है। आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। कैसा लगा आज का आपको ब्लॉग? अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।